75वें साल में पूरी दिल्ली में लगे 15 फीट ऊंचे अमर तिरंगे के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 अगस्त तक दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगा लहराएगा। तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल ने कहा कि हर समिति से मेरा निवेदन है कि आप अपने इलाके में कम से कम 1000 नौजवान सिपाही तैयार करें। सीएम ने कहा कि मैं आप लोगों के सामने 5 प्रस्ताव रखना चाहता हूं। समिति से जुड़े लोगों को यह 5 काम करना है। पहला कि आप सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में कोई भूखा ना सोए। दूसरा कि सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। तीसरा किसी भी बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ना हो। चौथा कोई भी व्यक्ति बेघर ना हो। जो भी बेघर हो उनको आप रात्रि आश्रम में भेज दें। पांचवा हमें हमारे इलाके की सफाई सुनिश्चित करनी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगभग 400 तिरंगे लग चुके हैं और 500 तिरंगे 15 अगस्त तक लग जाएंगे। इन तिरंगे के रखरखाव और सम्मान के लिए आज हर तिरंगे के लिए एक तिरंगा सम्मान समिति बनाई गई। 5 सदस्यों की एक समिति होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठाए। कश्मीर के लोग अब बहुत बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद वो एक उम्मीद के साथ गए थे। वहीं तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं जब भी तिरंगे के सामने से निकलता हूँ तो मन में उन लोगों के लिए कृतज्ञता आती है जिनकी वजह से हमें हमारे देश में हमारा तिरंगा मिला। एक एक उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी, जान, अपना परिवार, अपनी शांति दांव पर लगाकर और सभी कष्ट सहकर हमारे लिए आज़ादी ली और ये तिरंगा लहराने का हक हमको दिया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।